दोनों टीमें बहुत टक्कर की है। जी हाँ, दोनों टीमें तो टक्कर की लग रही हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि कौन टक्कर में जीत विजेता हासिल कर रही है। फिलहाल दोनों टीमें एक दूसरे पे हावी हो रही है, कोशिश करना कर रहे हैं। लोहा से लोहा टकरा रहा है, जो लोहा से लोहा टकरा रहा है भाई, तो चिंगारियां निकल रही है। वो चिंगारी निकलेगी तो आग पैदा कर, और लीजिए आग पैदा कर दे मांग टीम। जी हाँ, यहाँ पे मांग टीम आगाज की है, एक पॉइंट से साबित कर रही है अपने आप को, प्रस्तुत कर रही है यहाँ पे मांग शुरुआती दौर से। दूर दूर से पुत्र लीजिए एक बार भी पकड़ने की कोशिश, और यहाँ पे घुमा दो पॉइंट हासिल किए, दो खिलाड़ी को बाहर जाना होगा। तलईपुर को खेलना होगा, सोच बच कर खेलना होगा, क्योंकि यह खेल है जितने खिलाड़ी छुए जाएंगे उतने खिलाड़ी बाहर होंगे। पांच नंबर के खिलाड़ी तलईपुर के बेहतरीन कला का प्रदर्शन रहा, जो सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, कहते हैं मेरे दोस्त का मुकाबला चल रहा है। जी हाँ, ये सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, इसलिए साबित करना होगा आपको बेहतरीन कला का प्रदर्शन। फिलहाल मऊ टीम का तलईपुर की भी टीम एक अपने आप में मजी मजाई हुई टीम है, दोनों टीमें मजी मजाई हुई टीम है, एक दूसरे को जानती है, कमियां जानती है। तलईपुर के कप्तान की उम्मीद होगी कि खाता खोलेंगे लंबे समय, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ टाइम जाता हुआ, आठ मिनट का समय आपके पास टाइम कम है, और प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे धीरे से क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस किया खिलाड़ी ने तलईपुर के मऊ के ग्राउंड में, कबट कबट की आवाज लगाते हुए पॉइंट की चक्कर में हरा खाना, और लीजिए आ गया है, और खिलाड़ी साफ रह दिए पॉइंट लिया। इसी रेत के साथ उम्मीद करते हैं कि मजा आएगा दर्शकों को देखने में, क्योंकि अंधेरा हो गया है, अब कह रहे थे कि अंधेरा जैसा सुपर और हर खिलाड़ी कप्तान भेजे हैं सुशील जी को, समय समाप्त हो चुका है, काफी हुष्ट पुष्ट खिलाड़ी है और हर खिलाड़ी अच्छे रीडर के रूप में जाने जाते हैं। सुशील जी बेहतरीन कला का पास चक्कर में लेगी खाली हाथ वापस जाते हुए यहाँ पे टैकल आन, निकोल जी सुपर टैकल आन है, सुपर टैकल आन आप पकड़िए, दो पॉइंट हासिल करिए। ग्यारह नंबर खिलाड़ी को नए कप्तान भेजे हैं, सुपर टैकल देकर भेजे हैं, कभी दर्द कभी उधर जो है कि दो खिलाड़ियों के बीच में रीड कर रहे हैं बेहतरीन कला का प्रदर्शन, और आगे आ खिलाड़ी लेकिन लंबे करके खिलाड़ी अपने ही गांव पुराने लाजी खिलाड़ी को तलईपुर को काफी है खिलाड़ी और हार खिलाड़ी है बचा लेते हैं धीरे धीरे प्रस्त होती है यहाँ पे तलईपुर की टीम मऊ के सामने। जी हाँ, एसआर के साथ खिलाड़ी आगे स्वागत कर दी गए और ध्वस्त कर दिए अपने ऑल आउट, तीन पॉइंट रन भैया पहले ही मैच में टीम को ऑल आउट कर दी तलईपुर उधर भी ध्यान देते रहेगा। जी हाँ, हाफ पालिका, हाफ पालिका चार मिनट। मैं इस कमेंट्री बॉक्स की तरफ से तमाम ग्रामवासियों को, तमाम इस मंच पे बैठे अतिथि गण के रूप में आए हुए तमाम सम्मानित लोगों का, तमाम ग्रामवासियों का मैं स्वागत करता हूँ। श्री ग्राम प्रधान बालू प्रधान जी का जो इस मंच पे उपस्थित हुए हैं, इस मंच पर उपस्थित केदार राजभर जी पूर्व प्रधान जो इस ग्राम सभा के, श्री संतू राजभर जी युवा संगठन के जो संयोजक है, सोचा राजभर जी युवा मंडल के कार्यकर्ता है, श्री केदार राजभर का सहयोग जी रहा, श्री केदार राजभर जी का कमेटी उनका और ग्रामवासी उनका बहुत बहुत आभारी है। प्रदर्शन आप जो नहीं अभी तो जला है, लेकिन देखिए क्या करते हैं, ये खेल है, कहते हैं कि क्रांतिकारी मरते नहीं दफनाए जाते हैं। जी हाँ, क्रांतिकारी मरते नहीं दफनाए जाते हैं, कब्र खोद के देख जिंदा पाए जाते हैं, तो लगता है कि ऐसा कार्य करेगी तलईपुर की टीम। बहुत अच्छे हमारे साथी कमेंटेटर में तलईपुर के खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए आप जो है कि अभी मेरे को हो, चलिए अभी मौका है तलईपुर का,
आपको ध्यान देना होगा। हाँ केंद्रित करके ध्यान खेले क्रिकेट की जी हाँ बहुत हो रहा है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको सजा रखी है पूर्ण रूप से हरी वाली दिए सारी बात ये होनहार खिलाड़ी है दौड़ के बेहतरीन कला का प्रदर्शन छोड़ेंगे इस ये लगता दूसरी बार हाथ पारी का एक मिनट समय से धरती आसमान का फर्क होता है। यहाँ पे जो है कि बैकअप आए बैकअप किए और साथ ये सारे का प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा खिलाड़ी की तरफ से समय क्योंकि समय समाप्त होते हुए अच्छे खिलाड़ी है। सुधीर आए हैं इस बार लंबे करके खिलाड़ी हैं कप्तान के ऊपर जिम्मेदारियां हैं और कैसा भेजा इसी के साथ चकमा देकर पकड़ लिए गए ये थोड़ा सा थोड़ा सा खेल भाई लेकिन इनके अंदर वो उसमें वो चेहरा है जिसके भरोसे से भी फाइनल में प्रवेश कर रही है माउंटेन। जी हाँ अच्छे लीडर की पहचान कभी दाएं से कभी बाएं से हेट कर रहे हैं नजरें गड़ाकर नजर चकमा दे रहे हैं सात खिलाड़ियों को। हालांकि दोनों का प्रेस हुई माउंटेन की टीम जो प्रेस की है थलाईपुर के खिलाड़ियों को। वाह क्या बात है बेहतरीन कला का प्रदर्शन माउंट के ऊपर स्वागत है कमेंट बॉक्स में हमारे ओम प्रकाश महेश साहब जी का धन्यवाद। मुकेश बाबू आपने जिक्र करते थलाईपुर की टीम इतनी अच्छी हाथ खेलकर आई है पर दुर्भाग्य है उनका इतना समय साथ नहीं दे रहा है बहुत अच्छे थलाईपुर का अगली टीम बनने की एक का समय समाप्त हो चुका है चार 24 का अंतर है अगली अगली टीम को आरपीएम में जी हाँ हम सारा तैयार हो बेटी के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ बार बार हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि यदि कोई सम्मानित व्यक्ति ग्राम सभा से या क्षेत्र सभा से कोई भी व्यक्ति आता है तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है कि उनके सम्मान के लिए खड़े होकर स्थान देने का कोशिश करेंगे। आपका प्रमुख अगर आपको किसी को थोड़ा सा कष्ट पहुंचे उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि सम्मानित लोग आप सम्मान करेंगे तो कहीं पे जाएंगे तो आपका भी नाम लेंगे आपकी ग्राम सभा आपके गांव का भी सम्मान करेंगे कि हम यहाँ पे गए थे और हमको बहुत बहुत बड़ा सम्मान मिला। ये चीज होता है मेरे दोस्त सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है घटता नहीं है मेरे भाई तो आप लोग सम्मान देने का कार्य करते रहिए। धन्यवाद देता हूँ परम मित्र राजू जी उनके बड़े भाई सरोज जी और साथ में पंकज कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राहुल जी को धन्यवाद देता हूँ तमाम ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए फिलहाल खेल का अभी कार्यक्रम जारी बहुत स्टेडियम वर्षे थलाईपुर के बीच अपनी टीम आरपीएम मऊ और हंतरा जैसे ही मैच समाप्त हो रहा है तुरंत आप लोग 3 मिनट समय समाप्त हो चुका है रेफरी महोदय सेकंड पारी का। चलिए मऊ के सबसे महान रीडर लंबे कद के हमने देखा है कि ये युवा खिलाड़ी है तो भावी इस खेल में डुआई डाइट का बहुत महत्व होता है मेरे भाई। इस खेल इस रेट पे आपको कुछ करना होगा या तो पॉइंट लेकर जाइए या तो पॉइंट देकर जाइए लेकिन कोशिश जारी पॉइंट की पैर तीसरा यहाँ पे मौका बन सकता था लेकिन डिफेंडर ने गलती किया मौका गड़ा रहे थे यहाँ पे लेकिन पॉइंट मिला 7 पॉइंट जी हाँ लेकिन अभी संघर्ष कर रही है थलाईपुर की टीम। चार मिनट समय समाप्त हो चुका है सेकंड पारी का
चलिए सेमीफाइनल का मुकाबला यहाँ के आए दो खिलाड़ी को दबाव नहीं करेगा। जी हाँ एक दूसरे दो पॉइंट, जी हाँ नौ पॉइंट अभी संघर्ष कर रही है। हार मानने वाली फलेपुर की टीम भी नहीं है। चलिए कोशिश जारी, फ्लाइंग की का इस्तेमाल है यहाँ पे डिफेंडर कपूर, गलती करने का मौका नहीं था, इस बार भी फलेपुर का मौका था, पकड़ सकते थे लेकिन नहीं पकड़े। रमेश भैया दो पॉइंट, इस तरह से फलेपुर का प्लेयर रीड करते हुए पॉइंट के चक्कर में देखिए पॉइंट लेकर आते हैं और खाली हाथों वापस जाते हैं। बहुत अच्छा मगर पकड़ लिए गए कर रहे हैं रमेश राजभर जी, रमेश राजभर जी जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं रमेश राजभर जी द्वारा, और लीजिए उसी के साथ पकड़ लिए हम बाहर नहीं लगा इंतजार। चलिए बहु अभी खाली हुई है, लगता है कि इस बार भी कोशिश जारी लगी। हरियाणा लीजिए पस्त कर दी है मौत टीम फलेपुर को समर्पण करते हुए, और मैं चाहूंगा कि इसके बाद आरपीएम बहु और हरिपरा दोनों टीमें ग्राउंड में आ जाए। जी हाँ जितना